देखिए दोस्तों, ये रात को हमने एक सांप रेस्क्यू किया था जो कि वुल्फ स्नेक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत तेज बाइट करता है और ज़्यादातर ये छिपकलियों का शिकार करता है। तो देखिए दोस्तों, ये बार बार मेरे को बाइट कर रहा है। तो इसके दांतों के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होती है। ओह सॉरी, इसने मेरे को अंदर तक काट लिया है, ग्लव्स के अंदर तक। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी तेज़ इसने मेरे को बाइट कर लिया है। तो इसमें कोई जहर वाली बात तो नहीं है। तो अगर यह काट गया अंदर तक काट गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें वैसे तो कोई विष वाली बात नहीं है और इसके दांत बहुत ही नुकीले दांत हैं और मेरे इसने ग्लाउज के अंदर अंदर तक काट लिया। तो यह छिपकलियों का शिकार करता है और लगभग ज़्यादातर ये रात के टाइम ही निकलता है। जैसे कि कॉमन क्रेस्ट सांप रात को शिकार करता अपना, वैसे ही ये सांप भी छिपकलियों का ज़्यादा शिकार करता है। तो इसका पैटर्न देख लीजिए, जो कि कॉमन क्रेस्ट सांप पे बना होता है तो वही कलर, और कॉमन क्रेस्ट सांप होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है और उसके ऊपर भी ऐसे पैटर्न बने होते हैं जो वाइट वाइट ये धारियाँ दिखाई दे रही है आपको। तो इसी प्रकार कई बार इनको कॉमन क्रेस्ट सांप समझ के मार दिया जाता है, क्योंकि कॉमन क्रेस्ट सांप है जो कि एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है और उसी वजह से उसे मार दिया जाता है, क्योंकि वो रात को ही लगभग शिकार पे निकलता है। रात के टाइम ही निकलेगा और रात को जो इंसान ज़मीन पे सोया हुआ हो तो उसको ये बाइट भी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो विष वाली बात नहीं है, इसने मेरे को बाइट भी कर लिया। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, शायद ग्लाउज के अंदर से मेरे को इसने बाइट किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसने मेरे को बाइट कर लिया ग्लाउज के अंदर से। तो देखिए, ये बाइट भी कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप घबराए ना, क्योंकि ऐसे सांप आपको बाइट करते हैं। तो आपके नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेके टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं ताकि आपकी चमड़ी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये ग्लव्स तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए डाल रखे हैं ताकि ये बाइट करे तो अंदर तक इसके दांत ना जाए, और बाकी नॉर्मल ग्लव्स है तो इसके अंदर से ये बाइट हो जाता है। तो बाइट होने से ऐसे है कि सेफ रहता थोड़ा हाथ, तो अंदर बाइट हो जाती है। तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं ताकि आपकी चमड़ी के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये एक पाइथन अजगर होता है, उसी प्रकार इसका जो सिर है चपटे आकार में होता है। तो देखिए, काफी तेज तरार सांप है। तो देखिए दोस्तों, एक रसल वाइपर सांप होता है, तो उसी का सर होता है जो इसी के आकार का होता है। तो वैसे ही ये रसल वाइपर की तरह, देखिए ये कितना तेज़ बाइट कर रहा है, बार बार ये मेरे को बाइट कर रहा है। तो जब भी इनके साथ, ये देखिए फिर से इसने मेरे को बाइट कर लिया। तो बार बार इसने मेरे को लगभग 2-3 बार बाइट कर लिया है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर ऐसे सांप बाइट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये मेरे को बाइट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसने मेरे को बाइट कर लिया, इसके दांत पूरी तरह चमड़ी के अंदर गड़ चुका है। तो देखिए दोस्तों, बहुत तेज। बहुत नुकीले दांत है। तो देखिए दोस्तों, कितना सारा ब्लड निकल चुका है। कई साथी तो अभी बोलेंगे कि इसमें विष वाली बात होती है, तो ऐसे सांप आपको बाइट करें तो आप घबराए ना। तो देखिए दोस्तों, इसने मेरे को 2-3 जगह बाइट किया, काफ़ी मात्रा में। इसके जो दांत है, देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही नुकीले दांत होते हैं उसके। तो देखिए, इसके मुँह में भी मेरा खून चला गया है। तो देखिए दोस्तों, इसको ज़्यादा परेशान ना होते ना करके इसे मैं छोड़ देता हूँ ताकि ये अपनी प्राकृतिक